अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मिनहल दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो आई नो मैं काफ़ी अर्से बाद अपनी यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो उसकी वजह यह है कि बीच में मोटिवेशन चली जाती थी और मुझे समझ नहीं आता था क्या कंटेंट डालूं और पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी होती थी, तो बहुत हेक्टिक रूटीन चल रही थी। अब फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंसिस्टेंट रहूँगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अब मेरी वीडियोज़ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिले ताकि मैं अपने आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ में अच्छे कॉन्टेंट डाल सकूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं जा रही हूँ भैया टाउन चेपी पार्क अपनी फैमिली के साथ। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि नाम उन लोगों ने नहीं सुना होगा। अच्छा, तो ये कुछ एक न्यू पार्क खुला है भैया टाउन में, जहाँ पे आप बहुत सारे बर्ड्स और डिफरेंट ब्रीड के बर्ड्स को मतलब हमें केज में जाने को देंगे और हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनसे। तो इट्स अ वेरी कूल प्लेस फॉर किड्स और जिनको पैरट्स और एनिमल्स का शौक है, जैसे मुझे और मेरी फैमिली को, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो आज मैं वहाँ जाऊँगी और आप लोगों को मतलब उसके साथ पूरी डिटेल्स शेयर करूँगी। और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड स्लाइटली नर्वस क्योंकि हमें वहाँ केज में जाना होगा और मैं अब जाऊँगी वहाँ पे एंड सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। और जो है वो डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी विज़िट करिएगा। लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ चेपी पार्क भैया टाउन कराची। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी जगह है और अंदर जाएंगे तो और भी प्यारी होगी, तो चलते हैं उसको विजिट करते हैं। मॉलकन काकाटू है, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से इसका ताल्लुक है और ये काफ़ी फ्रेंडली बर्ड हैं और इनके साथ आप जितना भी वक्त स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए बेहतर है। और दूसरी चीज़ ये कि ये बड़े शरारती बर्ड हैं, इसमें किसी का केज खोल देना, कोई चाबी को उठा के ले जाना, मतलब जैसे चोरी भी करते हैं ये। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके साथ अगर हम अच्छा सलूक करेंगे तो ये खुश रहते हैं, अगर इनको हम इग्नोर करेंगे तो ये फिर अपने साथ नुकसान पहुंचाना भी शुरू करते हैं। अच्छा। अपने फीडर को ये जो है प्लगिंग करना शुरू कर देते हैं, इनको तोड़ कर फेंकना शुरू कर देते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, इसलिए इनके साथ जो है काफ़ी इनको खुश रखना पड़ता है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारा बर्ड है और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ है और काफ़ी हाइट है इसकी और बड़ा है। कितने इसकी क्या उम्र होगी? इसकी उम्र अभी 20 ईयर्स है। अच्छा। बाकी इनकी एज काफ़ी होती है, 75-80 ईयर्स तक जो है ना ये ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारा सा बर्ड है, मेरे साथ काकाटू और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ। ये ब्लू गोल्डन मकाओ है और ये हमारे पास फीमेल है मकाओ और ये भी बहुत फ्रेंडली होते हैं और बड़ा दोस्ताना माहौल पसंद करते हैं और फीड के मामले में बड़े चॉइस इनकी होती है कि मतलब ये अखरोट को भी जो है, इसकी जो चोंच है इतनी सख्त है तो वो अखरोट को भी जो है पीस कर देती है और बड़े फ्रेंडली हैं और हमारे चेपी पार्क की रौनक है ये और हम बहुत प्यार करते हैं इनसे। और ये ब्रीड करते हैं यहाँ पे? जी हमारे पास ब्रीड करते हैं ये और हमारे पास एयर में ब्रीड किया हुआ है माशाल्लाह। इनको बिल्कुल माहौल हमने जो नेचुरल जो है वो माहौल दिया हुआ है। अच्छा, तो ये जो पैरेट अभी मेरे साथ है ये इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है जी। और ये सबके साथ मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं और किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनके साथ आप मोहब्बत प्यार दिखाएंगे उतने ही आपको रिटर्न उसका प्यार मोहब्बत देंगे जी। शुक्रिया। तो अभी मैंने यहाँ के सुपरवाइज़र के साथ दो तीन पैरेट्स को एक्सपीरियंस किया है जो मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे
और उनके साथ काफ़ी मज़ा आया मुझे। यहाँ के सुपरवाइज़र ने मुझे गाइड किया पैरट्स के बारे में और वो है उनकी हैबिट के बारे में, वो क्या खाते हैं वो सब, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुनकर और उनके साथ टाइम स्पेंड करकर। तो और मज़े की बात यह है कि उनकी वेट इतना ज़्यादा था कि मेरे हाथ पे मतलब स्क्रैचेस पड़ गए उनके नेल्स के, पर मज़ा बहुत आया। और जिनको शौक है पैरट्स वगैरह का मेरी तरह मेरी फैमिली की तरह, वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूँगी, आप लोग ज़रूर आएँ और बहुत मज़ा आता है। सही ना, इंजॉय कर सकें। तो अब जाएं और इंजॉय करें बर्ड्स जो मैंने कैप्चर किया। रिको, गोल, रिको, गोल, 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 गोल। तो ये था हमारा रिको, तो इसके लिए जरा क्लैपिंग हो जाए। और यहाँ पे इसकी ट्रिक्स जो है आपने देखी, कितना इंटेलिजेंट था, इसने हमारे साथ अभी बास्केटबॉल भी खेला, इधर उधर नहीं फेंका, ठीक है, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल चांस देने के लिए कैच कर सके। ओके, वन टू ओ थ्री, अरे वेरी गुड, एटलीस्ट आप धनी। ओके, वन टू थ्री, अगेन, वन टू थ्री, ओ कैच हो गया, जबरदस्त। चले जी, कोई और तो गए, लेकिन हाथों का हाल देखें आप लोग, मतलब पैरेट्स को ले तो लिया लेकिन उन लोगों ने थोड़ा सा काटा भी और सब ये देख सकते हैं थोड़े से जख्मी भी हुए हाथ। हेलो, क्या बने हुए तुम? मजा आया बहुत, जोर से बोलो ना, मजा आया बहुत, मजा आया बहुत। और सबसे फेवरेट बर्ड कौन सा था तुम्हारा, सबसे मजा आया? मुझे ऑस्ट्रेलियन बर्ड, ऑस्ट्रेलियन बर्ड वाह। कैप्टन की ज़्यादा प्यारा लगता है मेरा भाई, है ना? मुझे थोड़ी लग रहा है कि मैं प्यारा लगता, अच्छा लग रहा है, देखें वो लग रहा है, ये काउबॉय है ना। मैं और दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कोल्डिंग मेरे जो हमने गाड़ी में पी थी ना और बच गई थी, हमें प्यास भी बहुत लग रही है। अच्छा, सही है सही है। और बस ये, अबे ये ही हमारी गाड़ी, जल्दी खोलो भाई, खोल दो, लॉक कर दिया था। चलो, ये मेरी, कौन सी है मेरी? मेरी ज्यादा वाली थी, मेरी थी नहीं, मेरी थी। अच्छा चलो सही है, बस चलो अब चलते हैं। सो डे टू, और कल मैं अपने व्लॉग को एंड करना भूल गई थी, सो हेयर इट इज़। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एंटरटेन यू ऑल, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छे रिकॉर्ड कर सकूँ, और अगर कोई गलती होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और रिव्यूज़ भी देगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और चिरपी पार्क अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इट्स वेरी ऑसम प्लेस फॉर एवरीवन, और जिसको पैरट्स का शौक है स्पेशली उनके लिए। सो या, डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।